फ्रेंड्स, आई डॉक्टर विनीता एंड वेलकम बैक टू फिजियोथेरेपी जुनून चैनल। आज के इस वीडियो को हमने हिंदी में बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको घुटनों के दर्द से आराम नहीं मिल रहा और घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और उनके लिए कुछ घरेलू उपाय, एक्सरसाइजेस, और उन्हें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, घुटने में दर्द क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, घुटने के दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर चोट से होने वाले घुटने के दर्द के क्या क्या प्रकार हैं, या फिर और कोई समस्या जिसके कारण उनको घुटने में दर्द रहने लगा है, या फिर किसी और कारण जैसे गठिया बा के कारण घुटनों में दर्द, और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, और आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कब इसे दिखाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, घुटने का दर्द बहुत आम समस्या है और ये ज़्यादातर जो है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। घुटने का दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि चोट, अस्वास्थ्य कर जैसे जो जीवन शैली है हमारी, जैसे बहुत ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन में रहना, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, घुटने के दर्द के जैसे मामूली रूप का इलाज घर पे ही कर सकते हैं हम। ज़्यादा अगर ज़्यादा गंभीर समस्या, ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके लिए हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और वो कब दिखाना चाहिए वो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। घुटने का दर्द बहुत आम समस्या है और काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घुटने के दर्द के अलावा अन्य कई लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे घुटनों में सूजन, बाएं घुटने का दर्द, दाहिने घुटने का दर्द, घुटने की टोपी के आसपास दर्द, घुटने के जोड़ों में अकड़न और दर्द। यह दर्द विभिन्न प्रकार के हैं और इनके विभिन्न कारण हैं, जिनमें से प्रमुख है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, या फिर घुटने की गठिया, या फिर मेनिस्कस टियर, या फिर रनर्स नी, या फिर बर्साइटिस, या फिर घुटने के लिगामेंट इंजरी और अन्य घुटने की चोट भी इसमें शामिल रहती है। घुटने में दर्द के क्या क्या कारण हैं? घुटने का दर्द जोड़ों के दर्द का सबसे आम रूप है, जो कि दुनिया भर में बहुत से लोगों में पाया जाता है। यह समस्या ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों को और वयस्क द्वारा महसूस की जाती है। महिलाओं में पुरुषों से अधिक घुटनों में दर्द की परेशानी होती है। घुटनों का दर्द नर्म ऊतक की चोटों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे लिगामेंट मोच, मांसपेशियों में खिंचाव, हड्डी की समस्या जैसे घुटनों का गठिया, या फिर आस गुड शल्टर्स और बायोमैकेनिकल एनी डिसफंक्शंस, और जैसे पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम, यह आपके सियाटिका से भी बढ़कर आ सकता है। तो घुटनों का दर्द इन सभी कारणों से होता है। और क्या क्या इसमें लक्षण हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे। यह कुछ कुछ सामान्य स्थितियां होती हैं जिनके कारण अक्सर घुटनों में दर्द होता है, या फिर वो उनका कारण बनती हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, पटेलोफेमोरल दर्द सिंड्रोम, या फिर पटेलर जो हमारा है, पटेला जो ये ऊपर की जो ये गोल गोल होती है घुटने के ऊपर, इसका टेंडिनाइटिस, या फिर इलियोटिबल बैंड सिंड्रोम, या फिर पटेला अव्यवस्था। ये कईयों का साइड में हो जाता है, कईयों का अंदर की साइड हो जाता है, कईयों का बाहर की साइड, कईयों का ऊपर की साइड हो जाता है। फिर बर्साइटिस की समस्या हो जाती है कुछ लोगों में, और कुछ जो हमारे स्पोर्ट्स इंजरी, या फिर जो जैसे जो खेल खेलते हैं उन बच्चों में भी, या फिर उन वयस्क लोगों में भी ये समस्या आती है। घुटनों के दर्द का लक्षण, घुटनों के दर्द के क्या क्या लक्षण हैं? गंभीर घुटने का दर्द के कुछ लक्षणों में शामिल हैं, जैसे घुटने के भीतर और आसपास सूजन और कठोरता। आप महसूस करेंगे कि आसपास के जो एरिया है घुटने का, वहाँ पे सूजन महसूस होगी। और अगर आप देख सकते हैं तो अगर आपके मान लो राइट घुटने में दर्द है, तो आप उसको लेफ्ट से कंपेयर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि आप इंची टेप ले लें और उससे दोनों घुटनों का माप करें, तो आपको उसमें आसपास अगर कोई सूजन है तो उसका पता चलेगा। कठोरता मतलब कि जैसे आपका जो घुटना है वो हिल डुल नहीं पा रहा अच्छे से।
घुटनों के पास गर्मी या लाली का आभास, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म रहता है। अगर एक घुटने में दर्द है तो आप दूसरे के टेम्परेचर से उसको आसानी से पता लगा सकते हैं। या फिर लाली का आभास मतलब थोड़ा सा वहाँ पे आपको रेड कलरेशन या लाल कलर मिलेगा। घुटनों में कमजोरी या फिर अस्थिरता, खड़े होने की समस्या, घुटनों में पॉपिंग और क्रशिंग की आवाज़ आना, घुटने की पूरी तरह से सीधा करने में असमर्थता, ये सब जो है ये घुटने के दर्द के लक्षण हैं। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मुझे घुटने का दर्द होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे घुटने का दर्द गंभीर है और अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर कुछ कुछ ऐसे कारण हैं, इनके कारण अगर आपको घुटने में दर्द है तो आपको इसकी देखभाल जरूर करनी चाहिए। जैसे कि घुटनों का दर्द जो कि निम्नलिखित कारणों में से एक हो, जैसे कि आर्थराइटिस है आपको, लूपस जैसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गाउट सहित अथवा संबंधित और उत्तर विकार, ऐसी कोई समस्या है तो आप जरूर जाइए। बर्साइटिस, घुटने पर बार बार दबाव से सूजन, जैसे लंबे समय के लिए घुटने के बल बैठना, घुटनों का अधिक उपयोग करना अथवा घुटने में चोट, इन सब के कारण अगर आपको वहाँ पे सूजन है घुटने में तो आपको बर्साइटिस की समस्या हो सकती है और आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। या फिर टेंटिनाइटिस, आपके घुटने के सामने और दर्द जो सीढ़ियों में चढ़ने या उतरने में अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो आप महसूस करिए कि आपको चढ़ने में दर्द है या फिर उतरने में दर्द है, आप उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसके बाद आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और आप इस समस्या को बिल्कुल गंभीरता से डॉक्टर के सामने रखिए कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते किस टाइम पे दर्द आ रहा है। ये जैसे जो लोग दौड़ लगाते हैं या फिर साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं उन लोगों को हो सकता है। बेकर सीट्स, घुटने के पीछे पानी से भरा हुआ सूजन, जिसके साथ आर्थराइटिस जैसे अन्य कारणों से सूजन भी हो सकती है। यदि सिस्ट फट जाती है तो आपके घुटने के पीछे का दर्द नीचे आपकी पिंडली तक जा सकता है। कई बार घुटने के पीछे आप देखेंगे कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे फोड़ा हो गया है कुछ, और वो आर्थराइटिस के कारण भी हो, उसके साथ साथ आर्थराइटिस भी होगा पेशेंट को, लेकिन अगर वो सिस्ट फट जाती है तो आपको पूरी पूरी पिंडली में पेन महसूस होगा, जो आपकी काफ मसल्स होती है उसमें पेन होगा। घिसा हुआ कार्टिलेज, मेनिस्कस टियर घुटने के जोड़ के अंदर की ओर अथवा बाहर की ओर दर्द पैदा कर सकता है। घिसा हुआ लिगमेंट, ACL टियर एग्जाम्पल, घुटने में दर्द और जो उत्पन्न करता है दर्द वो बहुत असहनीय होगा। झटका लगना अथवा मोच, अचानक अथवा अप्राकृतिक ढंग से मुड़ जाना घुटने का किसी भी कारणवश, आप अगर बैठे थे और एकदम से आप उठे और वहाँ पे आपको झटका लग गया। या फिर नी कैप का विस्थापन, जो ये आपके घुटने के ऊपर रहती है, इसका ऊपर नीचे या साइड में हो जाना, ये भी एक बहुत गंभीर कारण है और आप इसको जरूर दिखवाएं। जोड़ में संक्रमण, कोई भी इन्फेक्शन वो आप जरूर दिखवाएं। इन्फेक्शन हमेशा रेडनेस और स्वेलिंग जरूर होगी, आपके घुटने में सूजन आपको मिलेगी और जो घुटने का रंग है वो लाल या फिर नीला दिखने लगेगा। घुटने की चोट, आपके घुटने में रक्त स्राव हो सकता है जिससे दर्द अधिक होगा। श्रेणी विकार दर्द उत्पन्न कर सकता है और घुटने में महसूस होता है, उदाहरण के लिए इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम एक ऐसी है जो कि आपकी जो घुटने हैं और उसके बाहर तक जाती है ये, और इसके कारण जो इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम है इसके कारण आपको पूरे घुटने से लेकर आपको पैर तक दर्द महसूस होगा। घुटने के दर्द के कई कारण हैं, विशेषकर अति उपयोगिता शारीरिक क्रिया से संबंधित है। ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं घुटनों का तब भी आपको ये परेशानी हो सकती है, और अगर आप बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते हैं करते हैं तो उसके कारण भी आपको परेशानी हो सकती है। इस समस्या में क्या करें, आप आराम करें, ऐसे कार्यों से बचें जो दर्द बढ़ा देते हैं, विशेष रूप से वजन उठाने वाले कार्य। बर्फ़ लगाएं, पहले से प्रत्येक घंटे 15 मिनट लगाएं, फिर बाद में पहले दिन के बाद प्रतिदिन कम से कम 4 बार लगाएं।
किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने के लिए अपने घुटने को यथासंभव ऊपर उठा कर रखें। आप उसके नीचे तकिया रख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल भी होगा, और इसमें आप दर्द में आपकी मदद होगी। किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने के लिए अपने घुटने को ऊपर उठा के रखें और कोई ऐसा बैंडेज अथवा इलास्टिक स्लीव पहनकर घुटने को धीरे धीरे दबाएं। ये दोनों वस्तुएं लगभग सभी दवाइयों की दुकान पर मिलती हैं। जैसे आम भाषा में इनको आप नी कैप बोलते हैं। यह सूजन को कम कर सकता है और सहारा भी देता है, लेकिन इसको आप रात में ना पहने या फिर जब आप कुछ भी ना कर रहे हो, आप रेस्टिंग पोजीशन में हो, आराम से बैठे हो, तब इसको ना पहने, क्योंकि वो उसमें उस टाइम पे उसका कुछ फायदा नहीं है। घुटनों के नीचे अथवा बीच में एक तकिया रखकर सोएं। स्ट्रेचिंग करें। घुटनों के दर्द में सबसे ज़्यादा आराम करने वाला जो है वो है स्ट्रेचिंग। आप स्ट्रेचिंग करें, एक कारगर एक्सरसाइज है। ऐसे कई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं जिन्हें घुटनों के लिए काफ़ी लाभदायक बताया गया है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग बहुत ही लाभदायक है घुटनों के लिए। जैसे इस फोटो में आपको बताया है कि आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग खुद से कैसे कर सकते हैं। आप कुर्सी को पकड़ के खड़े रहें, एक पैर आपका सीधा रहेगा, दूसरे पैर को आप मोड़ रहे हैं और आप खुद से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। ये दूसरी फिगर में क्या है कि जैसे आपको घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप घुटने के नीचे कुछ भी रोल बनाकर सॉफ्ट वो रख लीजिए और उसको आप प्रेस कीजिए। पंजा आपके आपकी तरफ होगा और आप जोर से दबा रहे होंगे उस चीज़ को, और ये आप मन में आप 10 तक काउंट कीजिए, फिर उसको रिलीज़ कर दीजिए। ये आप 15 15 मिनट के लिए कर सकते हैं, और दिन में ये एक्सरसाइज आप 3 बार कर सकते हैं। सेम आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप स्टार्टिंग में कुछ भी वेट ना लगाएं। पहले आप किसी ऊंचे बेड पे या काउच पे बैठ जाएं, धीरे धीरे आप पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, फिर नीचे की तरफ ले जाएं। जितना भी आप इसको स्लो, जितना भी आप इसको धीमी गति से करेंगे, उतना आपके लिए ये लाभदायक होगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आप साथ में इसके साथ आप थोड़ा 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 वेट जो है आप अपने एंकल पे, अपने टखने पे बांध सकते हैं, और फिर आप इसको उठाना शुरू करें। जब आप इसको उठाकर पैर बिल्कुल सीधा हो जाए जब आपका बेड से, तो आप वहाँ पे 1 से 10 तक आप गिनती गिने और उसके बाद उसको धीरे से फिर से नीचे ले आना शुरू कर दें। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे आपको दर्शाया गया है कि आप एक पैर सीधा रखें, दूसरे पैर को उस पैर के ऊपर रखें और फिर प्रेशर बनाएं। इससे आपके घुटने की जो मांसपेशियां हैं वो ताकतवर होती हैं। दूसरी एक्सरसाइज, आप सीधे लेट जाएं, पैर को सीधा उठाएं, फिर उठाकर जो आपका पैर टोज हैं आप उनको अपनी तरफ खींचें। एड़ी को बिल्कुल सीधा करें, मांसपेशियों पे जोर आने दें लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर इसे 10 सेकंड तक काउंट करें, 10 तक, और फिर इसे धीरे धीरे छोड़ दें और नीचे ले आएं। ऐसे ही आप बॉल का यूज़ करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि बहुत छोटी बॉल अगर कोई आप अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए, तो उस बॉल को लें और उस बॉल को नी से प्रेस करें अपने घुटने से, और इसमें भी आपका जो टो होगा, आपका जो नी न, फुट होगा, वो आप इस तरह से जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है अपनी तरफ खींचेंगे उसको। यहाँ पे आप कोई भी इलास्टिक बैंडेज ले सकते हैं जिसको आप हाथ से अपनी तरफ खींच सकें। अगली एक्सरसाइज में आप कोई हार्ड, अगर आपको बहुत कम दर्द है और अभी दर्द होना शुरू हुआ है और आपकी काफ मसल भी पेन कर रही है, तो आप कोई हार्ड रोलर ले लें, उससे ये एक्सरसाइज शुरू करें। पहले नी के लिए कंप्रेस करें और फिर रिलीज़ कर दें, और फिर इस रोलर से आप अपनी काफ मसल्स को, अपने जो ये पैर पैर की यहाँ पे जो ये मसल्स हैं, इनको आप रिलीज़ कर सकते हैं। इनको आप बार बार एक्सरसाइज करके इनको लचीला बना सकते हैं, जिससे जो आपके मांसपेशियों में दर्द बन रहा है घुटने के कारण, वो कम हो जाएगा।
तो ये सब मैंने घुटने के दर्द के बारे में कुछ आपको पिक्चर से समझाना चाहा है, कुछ चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अपने घुटनों के दर्द में, और बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर आप और चाहते हैं कि मैं और इस पे वीडियो बनाऊं या फिर ये एक्सरसाइजेज मैं आपको करके दिखाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ये वीडियो मैंने स्पेशल डिमांड पे बनाया है, क्योंकि लोगों को जो है वो मेरा हील पेन वाला वीडियो, एडी का दर्द, वो बहुत पसंद आया था और बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ की और चाहते थे कि मैं इस पे, मैं घुटनों के दर्द पे भी एक वीडियो हिंदी में बनाऊं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और अपने आसपास सबको ये वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि लोग अवेयर हो सकें। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप अपने नियरर किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाएं और उनसे इस बारे में ज़रूर पूछें, और एक्सरसाइजेज वो आपको और भी ज़्यादा बताएंगे और अच्छे से भी बताएंगे, और लाइव सेशंस आप ज़रूर लें। थैंक यू सो मच।